हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, उस वीडियो का टाइटल है, थैंक यू अफगानिस्तान। अच्छा, जुनेद अकरम की वीडियो है। और पाकिस्तानियों की अच्छी बली दुलाई हो चुकी है, पाकिस्तान बायर हो चुके हैं। मतलब अभी चांसेस हैं, किस के चांसेस है? नेदरलैंड का, नेदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड ऑस्ट्रेलिया को किधर हरा सकता है? ये वैसे फजूल की बात है कि हम किसी और के बलबूते पे, देखो इंडिया गया है ना, अपने बलबूते पे गया है, अपने जोर पे गया है, गेम करके गया है। तो इसी तरीके से अगर जाता तो पाकिस्तान इस तरीके से जाए ना, दूसरों पे नजर रखने की जरूरत ही क्या है। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जुनैद भाई क्या कहते हैं और अफगानिस्तान को थैंक यू किस बारे में बोला जा रहा है। 1 2 3 गिल्ली उड़ गई। हाँ भाई, क्या हाल है भैया? अफगानिस्तान ने रिकॉर्ड बनाया, और क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं कि दूसरी टीमें, दूसरे प्लेयर्स, मरे हुए टीमें जो बिल्कुल रैंकिंग में नीचे हैं, वो 400 रन बनाए, रिकॉर्ड बनाए, तो आज अफगानिस्तान बनाया। लेकिन वेल प्लेड अफगानिस्तान। यार, अफगानिस्तान बहुत टाइम से बहुत अच्छा खेल रहा है और पाकिस्तान को अच्छा भला धो रहा है। हर बार पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से जीत पा रहा है इनसे। ऐसा नहीं है कि मैच फंसता नहीं है, मैच फंस के अगर अफगानिस्तान हारा भी है तो लड़ के हार जीते हैं, वो अच्छा खेले इसलिए अफगानिस्तान जीता। ये बात से मैं दिल से शुक्रिया अदा करना मुश्किल निकाल के कर दिया हमें साइड में, क्योंकि जो रोज का हार्ट अटैक होता है हमारा कि खेल रहे नहीं खेल रहे, आगे जा रहे नहीं जा रहे। सही बात है, मैं पढ़ा होता ना पेशेंट, पता नहीं हो रहा आ रही है जा रही है, तारे यूं हो रही है। एक ही बार हमारी जिंदगी आसान कर दी, अब हम सुकून से बाकी का वर्ल्ड कप देखेंगे, क्योंकि आगे तो अभी न्यूजीलैंड भी है, साउथ अफ्रीका भी है। साउथ अफ्रीका जो 400 बना के थक नहीं रहा, वहां पे जाएंगे 19 ओवर में 100 रन करने वाले। ये 92 का वर्ल्ड कप समझ दिमाग में घुसा घुसा के स्ट्रेटजी भी 92 वाली कर रहे हैं। सही बात है, दिलाना स्टार्ट इस मरी हुई पिच पे, जिस तरह अफगानिस्तान ने भी उसी पिच पे खेला ना भाई, उसी पिच पे उनके स्पिनर चल भी रहे थे, उसी पिच पे उनके बैटर्स जो हैं, आपने देखा बैट्समैन कहां स्कोर लेके गए, खुल के खेले। ये बात तो है, कैप्टनसी डरपोक, हमारी मैनेजमेंट डरपोक स्टार्ट, मगर खुल के ही नहीं खेलना, हमेशा की तरह वही स्ट्रेटजी, विकटे बचा लो 40वें ओवर के बाद देखेंगे। भाई इस बात की क्या गारंटी है कि 40वें ओवर तक सिर्फ आपके 2 आउट हुए होंगे, जब 5 हो जाते हैं फिर किसी से खेला नहीं जाता। चाचा ने आके जैसे जैसे करके संभाल ली इज्जत, तो जाके 280 पर टारगेट गया, वरना मैच आपके सामने था। अच्छा, अभी यही है सारा का सारा मैच चाचा पे छोड़ा हुआ होता है, चाचा स्कोर बनाएगा, चाचा स्कोर बनाएगा, चाचा। मैं तो सही बात है, इस टीम का फायदा नहीं है, इसको वापस बुलाओ वहां पर बिरयानियां खा खा के पागल हुए हुए। ये किस किस्म की, ये किस सोच से ये खेल रहे हैं, ये वर्ल्ड कप जहाँ पे एवरेज टीम्स जो हैं वो 300 का टारगेट बना रही हैं। आज भी अफगानिस्तान को भी ये 280 से ऊपर का टारगेट नहीं दे पाए, बहुत ही बुजदिलाना गेम खेला। और हालांकि आज तो तस्वीर भी चल रही थी कि 2019 में मियां साहब इंग्लैंड में थे तो इंग्लैंड जीता, हाथ में उनके वो बत्तख भी बढ़ गए, क्या डव काम कर रहे होते हैं, घर में खुशहाली होती है, 4 पैसे आ रहे होते हैं, तो नल्ले नल्ले बच्चे भी फ्लरिश कर रहे होते हैं, देखे चांद पे जा रहे हैं, वॉलीबॉल में भी जीत रहे हैं, हर चीज में, हर चीज में माशाल्लाह मेडल आ रहे हैं। अफगानिस्तान के 5 मेडल है, पाकिस्तान के 3 है, देखो कि 109 या 110 मेडल इंडिया लेके आया है, शायद 107 है, मतलब इसी की राउंड फिगर में है। अफगानिस्तान 5 और पाकिस्तान के पास 3 मेडल आए हैं। लानत नहीं होगी भाई, मतलब कहाँ रही हमारी गेम्स, गेम्स में फारिग पाकिस्तान, हर चीज में। पता है पाकिस्तानी प्लेयर्स से ना सिर्फ और सिर्फ बातें करा लो, ये जरा से फेमस हो जाते हैं तो बस उसके बाद सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। तसलसल नहीं है मुल्क में, जब मुल्क में तसलसल नहीं होगा उसका रिफ्लेक्शन आपके घरों में भी आएगा, घरों के भी मामले टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, दफ्तर के भी मामले टेढ़े मेढ़े, वो उसको भी हार्ट अटैक हो जाता है। आज पीछे बैठा हमारा बिरयानी के ऊपर डाल के हार्ट अटैक, यही मसला है। मुल्क के हालात अच्छे होते हैं तो हर जगह रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पे भाई बुजदिली से खेल रहे हैं, समझ से बाहर है यार, ये वर्ल्ड कप जीते। अब आप ईमान से बताएं, देखें आपकी अपनी जज्बात अपनी जगह, एसोसिएशन अपनी जगह, इमोशंस अपनी जगह, मगर अपने आप को जरा पाकिस्तान से बाहर रख के न्यूट्रल बन के, न्यूट्रल वाला नहीं, न्यूट्रल होके
देखें कि क्या ये टीम डिजर्व करती है वर्ल्ड कप जीतना या सेमीफाइनल में आना। देखिए मेरी भी टीम है, मेरी ख्वाहिश है फाइनल जीते और इंडिया को हराए फाइनल में नरेंद्र मोदी ग्राउंड में, लेकिन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कुछ चाह सकते ना, नजमा हमारी हो जाए, नहीं होती, प्योर की हो जाती है, मगर चाहने से नहीं होता, करने से होता है। हाँ, खेलो ना। खुद बताया ना, ऑस्ट्रेलिया जो के चार्ट्स में सबसे नीचे थी, वो मीम चल रहा था कि किन गरीबों के साथ सोना पड़ रहा है, वो कौन सी फिल्म थी उसका, वो मीम चल रहा था, तारे से वो भी रन ने, ने, ने। वो ही मीम्स थे ना। टॉप फोर में आ गई है, हम पांचवें में पड़े हुए, अब फिर वही होगा जो पिछले साल टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप हुआ, फराना उसको हरा दे, उसकी खाला मर जाए, बार बार की जो उम्मीद ये इस तरह एस्टिमेट लगाते हैं ना, बड़ी मुझे जहर लगती है कि बार बार हारे नहीं आ रहे, जा रहे नहीं जा रहे, जा रहे तो भाई न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका जो करते आ रहे हैं कर लीजिएगा आप भी एक ही बार, सुकून दे दे यार, वो कहते ना मुर्दे को एक बार दफना दो तो सुकून आ जाता है, तो दफना दे। अगले वर्ल्ड कप में अल्हम्दुलिल्लाह मिकी आर्थर ने, बाबर आजम ने सारी गलतियां नोट कर ली हैं, सारी गलतियां और सारी नोट कर ली है, इंशाल्लाह अगले वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप हुआ है। मतलब पहले ही राउंड, खैर इसमें तो राउंड थे ही नहीं, मगर पांचवें मैच में मतलब इतनी डिफीटेड बॉडी लैंग्वेज है, कंधे सबके झुके हैं, शक्ल पे ही नहीं आ रहा ना वो की कोई कोई स्ट्राइक एनर्जी नहीं है उस तरह की। ऑस्ट्रेलिया वाला दसवें ओवर में, पहले इनिंग के दसवें ओवर में हम वो मैच हार चुके थे, यू लुक एट द फिजिकल, वो बॉडी लैंग्वेज जरा देखें, आज की बॉडी लैंग्वेज देखें, चढ़ के खेल रहा था और ऊपर आके खेल रहा था, और बार बार कौन वो नगमा दिखा रहे थे एंड में, वगमा कौन है वगमा, बस जरा दिल थोड़ा सा हो गया, हार्ट रेट थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ, तो बाकी तो भाई जो आपके सामने वो है नो डाउट पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने बहुत ही जहरीला किस्म का धोया था। और यहाँ पर बात हो रही थी वो इंडिया को हराने की, तो यार इंडिया एक टीम है यार, इंडिया को तो नामुमकिन है भाई इस तरह की वैसे टीम को जो स्टार्टअप हुआ था ना पाकिस्तान का, जैसे वो खेला है शुरू में दो मैच जीते है ना, तो वो कौन सी टीम से जीते है, नेदरलैंड से जीते हो आप मेरे ख्याल से, बांग्लादेश से या श्रीलंका से, श्रीलंका से जीते हो, उसके बाद स्टार्टअप अच्छा था, तो आगे भी यही था कि आगे भी बहुत अच्छा खेलेगा, कि लागे पता नहीं से, मैं शुरू से ही कह रहा था ये, मैं बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ कि हर वर्ल्ड कप में हर लेकिन बाद में रोना पड़ता है, खैर अभी रोना धोना शुरू कर दो क्योंकि पाकिस्तान तो बाहर हो चुका है, और बहरहाल अभी फिलहाल हम लोग इंडिया की साइड पे है क्योंकि हमें इंडिया इंडिया जो जो सिचुएशन बनी हुई है ना, इंडिया जीतता वही नजर आ रहा है। खैर आप लोगों को क्या लगता है कि वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, तो जो भी वीडियो से रिलेटेड ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर, हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।